भारतीय क्रिकेट टीम के कई सारे खिलाड़ी जो टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं लेकिन अपने खराब फॉर्म के चलते इस समय टीम से बाहर चल रहे हैं, वो खिलाड़ी टीम में वापसी के लिए और तैयारी करते रहते हैं, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते हैं या दूसरी लीग्स जाके खेलते हैं ताकि तैयारी उनकी और हो सके और टीम में उनकी वापसी हो सके। बताएं तो अब टीम इंडिया जो है अगला टेस्ट मैच खेलने वाली है इस साल के अंत में जाके दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो जो अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें टीम इंडिया के हिस्सा ना रहने वाले तेज़ गेंदबाज उमेश यादव भी अपनी टीम में वापसी के लिए उन्होंने फैसला लिया है कि वह अब काउंटी क्रिकेट खेलने वाले हैं। काउंटी क्रिकेट में वह एसिक्स टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जब फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, तब इंडिया की प्लेइंग 11 में उमेश यादव को जगह दी गई थी, लेकिन तब वे अपनी गेंदबाजी से कुछ खासा इंप्रेस नहीं कर पाए थे, जिस वजह से उन्हें इस वेस्टइंडीज दौरे पे मौका अब नहीं मिला था। तो अब उन्होंने फैसला लिया है टीम में वापसी के लिए कि वे काउंटी क्रिकेट खेलने वाले हैं। काउंटी चैंपियनशिप के आखिरी के 3 मुकाबले बचे हैं, उसमें वे एसिक्स टीम से जुड़ने वाले हैं उन आखिरी 3 मुकाबलों के लिए। अगर आपको उमेश यादव के ओवरऑल करियर की बात करें तो उमेश यादव ने अब तक कुल 57 टेस्ट मैच, 75 वनडे और 9 T20 के मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने कुल मिलाकर 288 इंटरनेशनल विकेट्स हासिल किए हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब उमेश यादव काउंटी क्रिकेट खेलने वाले हैं। इससे पहले भी 2020 में वे काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं, तब वे मिडिल सिक्स टीम का हिस्सा थे। तो अब दोबारा से 2023 में वे एसिक्स टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो एसिक्स टीम की तरफ से वे आखिरी के जो 3 मुकाबले बचे हैं उसमें वे खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जो आखिरी 3 मुकाबले बचे हैं वो नॉर्थहैम्प्टनशायर, हैम्पशायर और मिडिल सिक्स के खिलाफ होने वाले हैं। उनमें उनके खिलाफ एसिक्स टीम से हमें उमेश यादव खेलते हुए नजर आने वाले हैं। बता दें इस काउंटी में वे एसिक्स टीम में उमेश यादव न्यूजीलैंड के डग ब्रेसवेल को रिप्लेस करने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि उमेश यादव इस काउंटी चैंपियनशिप में कितना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं और उनकी टीम इंडिया में वापसी होती है या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है खबर सुनकर मुझे फटाफट से कमेंट जरूर बताइए। आप देख रहे तूफान स्पोर्ट, इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।